राय तय करेगी और लोगों की राय वो हम लेके आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। हमेशा हम क्वेश्चंस देते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, स्पेस में जितने बहन भाई मौजूद हैं, मेरा तो आपसे एक प्यार का रिश्ता है। आप मुझे जिद भी कर लेते हैं, बहस भी कर लेते हैं, सारी बातें करते हैं, और हमारा चूंकि बहन भाइयों वाला एक ताल्लुक है, मैं किसी चीज को माइंड नहीं करता। लेकिन शोएब साहब बिजी आदमी है, संजीदा आदमी है, बहुत शुक्रिया उन्होंने वक्त निकाला। तो काइंडली अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन तक ही रखिएगा। बहुत लंबे तबसरे, बहुत सारी चीजें, फिर वो सब की हकल्पी होती है, वो ठीक नहीं है। और एक शख्स का हम एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे, क्योंकि अगेन ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो फिर बात से बात निकलते निकलते बड़ी दूर चली जाती है। मेरे पास जो रिक्वेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए, पहले मेरे पास हैं एम अब्दुल्ला साहब, उनके बाद तलहा अजीज हैं। सो लेट मी गो टू एम अब्दुल्ला साहब। जी वेलकम ऑन बोर्ड एम अब्दुल्ला साहब। देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं है, और साथ साथ मैं एक चीज ये भी कह दूं, एक सेकंड अब्दुल्ला भाई, कि हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं, तहमुल से, इज्जत एहतराम से, कानून को, मंतक को सामने रख के वो हमसे इख्तलाफ करें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और अगर आप यानी कि बदतमीजी ना करें, कहने का मतलब ये है। और अगर आप अपना इस्लामी नजरिया रखने वाले आदमी हैं और आप इस चीज पे एतराज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बात की, मुझसे बहुत ज्यादा देर शोएब मदनी साहब ने बात की, हमने एक भी गैर पार्लियामेंट्री जुमला नहीं कहा, हमने कोई अनएकेडमिक बात नहीं की, डिकोरम से नीचे हटके हमने बात नहीं की, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसको आप मेंटेन रखिएगा। एम अब्दुल्ला साहब अनम्यूट कीजिएगा खुद को, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? जी, एम अब्दुल्ला साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो, और बाकी जो बहन भाई इस डिस्कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, काइंडली माइक रिक्वेस्ट कीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक एम अब्दुल्ला साहब की तरफ से कोई इशू है। सर, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आपको मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। आपका ये अगर कोई जो भी ग्लिच है ये दूर होती है तो मैं आपको दोबारा ले लूंगा। तलहा अजीज साहब, इन द मीन टाइम मैं उनको ले रहा हूँ। जी तलहा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन बोर्ड, जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? तलहा अजीज साहब, आप स्पीकर हैं इस वक्त। बॉटम लेफ्ट में देखिएगा, वहां पे एक आइकॉन होगी माइक की, देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं है, क्योंकि मुझे आप म्यूट नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर दो में हम, अस्सलाम वालेकुम जी, तलहा साहब वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही जनाब है? जी, आ रही है। सर, मेरा ये क्वेश्चन है बतौरे स्टूडेंट भी और बतौरे शहरी भी और बतौरे मुसलमान के भी, कि हम ये सारी डिस्कशन करते हैं, इसका हम कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बतौरे यूथ, बतौरे पढ़ी लिखी यूथ जो कि दीन के साथ भी लगाव रखती है, हम प्रैक्टिकल इसके लिए क्या कर सकते हैं? थैंक यू। मैं बस एक सेकंड में एक चीज अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर शोएब मदी साहब से भी इस पे इनपुट लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली तो हम कर रहे हैं, ये स्पेस पीसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने ट्रांसजेंडर एक्ट पे, जो हम अदालत में गए, सेनेट में हमारी आवाज जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब के जरिए वहां तक पहुंची, तो ये प्रैक्टिकली चीजें तो हो रही हैं। अभी ये एक इनिशिएटिव है, हमने शुरू किया है, शोएब साहब ने ही उसको शुरू किया और लीड कर रहे हैं, सेव द फैमिली के नाम से, कि जितना भी इस वक्त हमारे खानदानों को बर्बाद करने के लिए LGBTIQ, ट्रांसजेंडर, ये वो वगैरह हो रहा है, उसके लिए इफेक्टिवली एक लिटरी मूवमेंट है, एक वो जो लॉन्च हुई है। आप रابطे में रहें, जो प्लेटफॉर्म्स हैं shaw.pk के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप उसमें रابطे में रहें, मुझसे रابطे में रहें, सब हम इंशाल्लाह, हमारे जो यूथ क्लब के भाई हैं, और भी लोग हैं, दानियार अब्दुल्ला साहब हैं, यानी कि सारे अपने अपने हिस्से का ये हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल सिर्फ ये नहीं है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी, बल्कि एक्चुअली ताकत के ईवानों में जाना। अभी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे भी हम एक रिव्यू पिटिशन में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, हमारी जो मूवमेंट है द रिवाइवलिस्ट के नाम से, उसमें तो प्रैक्टिकली हमने एक हेरोन कोलिजन करनी है, जितनी ये पाकिस्तान में फहाशी हो रही है, करेंगे हम बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी वायलेंस के, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे, लेकिन वो सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह उसके लिए हम मेंबरशिप्स ऑन कर देंगे। वी नीड टू लॉन्च ए पावर हाउस इन पाकिस्तान एंड वी हैव टू रिक्लेम आवर कंट्री। हमने अपना मुल्क आजाद कराना है इन लिबरल्स और सेकुलर से। ट्रस्ट में ये तादाद में थोड़े हैं, लेकिन ये जितनी पावर पोजिशन है वहां पे बैठे हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए, मुल्क का फैब्रिक जो है उसको चेंज करने के लिए, ये बड़ी खतरनाक बात है हमारे लिए, तो उसको लिए आजाद कराना है। तो इंशाल्लाह जो इस वक्त मूवमेंट्स हैं, रिवाइवलिस्ट है, सेव द फैमिली है, आप इनका हिस्सा बने, डू योर पार्ट।
वो आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी कि आपके हिस्से में क्या काम आएगा, ये आपको अश्योरेंस दी जाती है कि कोई भी गैर कानूनी काम आपसे नहीं कहा जाएगा, कोई भी गैर अखलाकी काम आपसे नहीं कहा जाएगा, वी विल रिमेन विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड इंशाल्लाह विल रिक्लेम आवर कंट्री फ्रीडम। शोएब साहब प्लीज सर, आप कुछ कहना चाहें तो। तो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम एक कैंपेन लेके चल रहे हैं, इस ये एक एक नॉन पार्टीशन कैंपेन है, जो किसी भी मसलक का, किसी भी शोबे से, किसी प्रोफेशन से जो भी ताल्लुक रखता है, हर हर पाकिस्तानी जो है उसका हिस्सा बने। और मैं अर्ज करता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आप देखें लिबरल्स जो है और ये जो जितने भी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के साथ हैं, ये लोग कभी भी आपकी अपनी फैमिली वैल्यूज की भी जो है ना डिफेंड नहीं करेंगे इसको। यानी कि लिबरल्स जो है ना वो कभी भी फैमिली वैल्यू को सेव करने की बात नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि वो तो काम तीन चीजों के लिए करते हैं। एक तो ये कि अपनी खानदानी जो जो पाबंदियां हैं और खानदानी जो आपकी तहजीब है उसको तबाह करना इनका काम है। इनका काम जो है वो आपका जो है वो जो तहजीबी चीजें हैं उनको खत्म करना, मजहब की जो पाबंदियां हैं उसको खत्म करना, और कानून में जो इनके मुताबिक गलत चीजें हैं उन्हें ये खत्म करना चाहते हैं। तो तीन तरह की जो है ना वो तीनों चीजों को तो ये रिजेक्ट करते हैं। तो मजहब जो है वो खानदान को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, दीन जो है वो खानदान को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमें जो है वो अपना कैंपेन जो है वो ये चलानी है, सेव द फैमिली की इंशाल्लाह ताला, और इसी के तहत हम बहुत सारी चीजों पर काम करेंगे। और बहुत सारे जो हमारे माशरे में खुद गलतियां हैं और जो ऐसे काम है जो कि बाद में कैंसर बन जाते हैं, और जिन्हें ये जो फॉरन फंडेड एनजीओज आती है उसका नाम इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उन जो हमारे सोशल इवल्स हैं उन्हें भी एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप सब भी हमारे साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया था अजीज, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। एमएम अब्दुल्ला साहब ने दोबारा माइक रिक्वेस्ट किया है, आई बिलीव उनकी तरफ से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। एमएम अब्दुल्ला साहब वेलकम ऑन बोर्ड, मैंने माइक आपको दिया है, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी एमएम अब्दुल्ला साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। सर कैसर भाई, मेरा ये सवाल है कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे अपने लोगों के अंदर भी कुछ एक्सट्रीमिज्म है पाई जाती है, जैसे कल भी ये जो वाकया हुआ है कि कहते हैं, हम अपने लोगों के अंदर इसको कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मैं मस्जिद के आलिम वगैरह से बात की है, वो लोग बहुत रूड नजर आते हैं इन कामों के अंदर। हमें थोड़ा सा बहुत मदारिस के अंदर अपने अंदर भी चेंज करना चाहिए, तो इसके लिए हम किस तरह उनसे बात कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है, और ये किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ, लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि सॉरी आप खुद को म्यूट कर सकते हैं, आप आपकी तरफ से थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है। बिल्कुल कैसे भाई, जी जी बिल्कुल कैसे। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ कि हमें अपने रवैये पे भी काम करना होगा, लेकिन मैं एक थ्योरी लिख रहा हूँ, बस वक्त की कमी होती है, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कि दुनिया भर से मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि इंसान के रवैये में तशद्दुद क्यों आता है, क्योंकि ये तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ कि मजहब आपके रवैये में तशद्दुद दे के आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने दुनिया में जितनी भी स्टडी की है उसमें एक पैटर्न नजर आता है कि जहां इंसान की बुनियादी जरूरतें, बुनियादी हकूक को तलफ किया जाता है, पामाल किया जाता है, वहां पे इंसान के रवैये में तशद्दुद आ जाया करता है। हम तहजीब का जो हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं हमारे लिबरल वेस्ट, वहां से उसकी मिसालें लेते हैं। वहां पे कोविड में लोगों ने 5G के टावर्स तक जला दिए, और किसी एक जगह पे नहीं, यूके में, बेल्जियम में, यूनाइटेड स्टेट्स में, क्यों? कि किसी ने बता दिया था कि ये जो कोरोना है ये 5G के टावर से फैल रहा है। हालांकि 5G का क्या ताल्लुक है इससे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, हमारे बेसिक राइट्स इस वक्त जो है वो सबवर्ट हो रहे हैं, हमें बीमार किया जा रहा है, और ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा रहा है, तो उन्होंने टावर जला दिए। उससे पहले भी ऐसा ही हुआ, जब ये कोरोना से की जो बात आई थी, तो यू नो 20 लाख एडिशनल गन्स लोगों ने अमेरिका में खरीदी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। टॉयलेट रोल्स के पीछे भी लोगों को, एक दूसरे को लोगों ने थप्पड़ मारे और क्या क्या नहीं किया, छुरियां चली, यहाँ तक हुआ। हॉरिकन कैटरीना में सिर्फ 4 दिन गवर्नमेंट डिले हुई थी खाना पीना लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो लेज के पैकेट पे भी वहां पे लोगों को छुरियां हुई, एस्ट्रोडोम में 2005 में। ये ना मैं आपको कई और मिसालें दे सकता हूँ, ये तो आपको सिर्फ मैं सिर्फ जो मुबैना तौर पे महजब दुनिया में आपको उसकी मिसालें दे रहा हूँ, और भी दुनिया में ऐसा ही होता है। सो अब जबकि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि जहाँ पे इंसानी हकूक की तलफी होती है, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, वहां पे लोगों में वायलेंस आता है, उसको अप्लाई करते हैं जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है।
मैं ये बात डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो जुर्म है वो जुर्म है, जो कल भी हुआ है वो गलत है। हम शरीयत की खिदमत, शरीयत के असूलों को वायलेट करके नहीं कर सकते, ये बात तय होनी चाहिए। लेकिन अगर बार बार एक ही हमें पैटर्न नजर आए कि जब भी कोई आदमी तोहीन मजहब करता है, तोहीन रसालत करता है, तो पाकिस्तान में कानून होने के बावजूद कभी उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो लोग नेचुरली ये समझते हैं कि अब हमारे हकूक की तलफी की जा रही है, अब हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि अगर हकूमत कानून पे अमल करते हुए तोहीन करने वाले दो चार मुजरमों को ही शरीयत के मुताबिक सजा देती है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ये मॉब लिंचिंग वाला रवैया कंटिन्यू रहेगा। कोई लोग देख लेंगे कि हुकूमत अपना काम कर रही है। डज दिस मीन कि जो लोगों ने जब भी वो इस तरह की मॉब लिंचिंग करते हैं उसका कोई जवाज है इसलिए कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल। मैं एक चीज ये तो हम कह नहीं सकते, इसलिए कि हमारे लिए मियारी शरीयत है। शरीयत से जो हट के काम करेगा वो जुर्म में बात खत्म हो गई। तो जब लेकिन जब जब जी जी कैसर भाई, मैं एक बात करना जी 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 प्लीज जो बात की है, देखिए मजहब का जो है ना वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप वेस्ट को देखें तो वेस्ट जो था ना वो भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी से अपनी जान छुड़ाई थी, और जब वो अपनी न्यू आइडियोलॉजीज के साथ वेस्टर्न न्यू आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म सारी चीजें आप ले लें, उसके साथ जब ये आए और उन्होंने मोनार्की को भी उड़ा के फेंक दिया, उसके बाद क्या हुआ? जितनी जंगे उन्होंने मजहब के होते हुए की थी उससे बहुत खतरनाक जंगे जो है वर्ल्ड वॉर वन हुई और वर्ल्ड वॉर टू हुई नेशनलिज्म के नाम पर और नई आइडियोलॉजीज के नाम पर। तो वो तो समझ रहे थे कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो और तशद्दुद पैदा कर दिए और ज्यादा मसाइल खड़े कर दिए। तो हमें ये देखना होगा कि क्या चीजें पीछे जो है ना वो इसके असबाब हैं। ये बिल्कुल कैसर साहब ने बिल्कुल बात सही कही कि जो है ना हम इसे डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारी जो जस्टिस है उसका फेलियर है, ये हमारी जुडिशरी का फेलियर है कि वो जो है ना दो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और अपने फैसले खुद कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू फॉर अगेन। हम कैटेगोरी की बात करना चाहेंगे कि इसको कोई दिखा नहीं। कैसे भाई, एक चीज बस और थी मेरी, मैं अपने जुमला कैसे भाई ये मुजम्मिल जुमला भाई, मैं अपने जुमला में अपना पूरा करूंगा, आप अभी आइएगा अपने फॉलो अप क्वेश्चन की तरफ। मैं जुमला इसलिए पूरा करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आगे अर्ज किया कि आजकल ये बड़ा बाजार चल रहा है ट्विटर पे किसी की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसको गौर कर देना, कैटेगोरिकल कंडेमिनेशन है। मैंने इस पे ट्वीट भी की थी और मैं दोबारा करता हूँ कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें। इस्लाम में इंडिविजुअल विजिलेंटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, हराम है ये, लेकिन रियासत को अपना काम करना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको एक नफसियाती चीज तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो जायज है। जी सर पूछिए आप। कैसे भाई जी जी क्या कहते हैं, कैसे भाई बस एक आखिरी सवाल कि ये जो मुजम्मिल साहब जैसे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, फिर ये क्यों जान पूछ के इनको भी बताया कि मजहब इसका हिस्सा नहीं है? 1300 साल में ये प्रॉब्लम नहीं आई, 100 साल पहले ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी क्यों वो बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट करके लोगों को क्लियर करना चाहते हैं कि सब मसला ही मजहब की वजह से या इस्लाम की वजह से? बस ये अच्छा मेरी अभी उनसे नोक झोंक चल रही है, असल में ट्विटर में अभी स्पेस पे हैं तो मैंने वो थोड़ा थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हुआ है, तो वो कहीं ये ना समझे कि मैं प्लांट कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए मैं इस पे मेरा मौकफ ये है कि सैयद मुजम्मिल का ये हक है कि वो मजहब पे एतराज करें, मजहबी लोगों पे एतराज करें। मैं ये तो नहीं कहता वो दीन पे एतराज करेंगे, बहरहाल एक मुसलमान की एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है किसी के रवैये से, तो उनकी अगर बहस है, मुसलमान अगर एक इंटरप्रिटेशन है और वो जो हमारा मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की उससे अगर वो इख्तलाफ रखती है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है उनका हक है। लेकिन जो तरीकाकार है वो ये है कि मैंने उनको मुतद्दद बार मैंने उनको दावत दी है कि आइए एक सुलझी हुई एकेडमिक डिबेट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं, आपके ख्याल जनाब सर आंखों पर, आपका हक है बिल्कुल आप कहिए, लेकिन फिर आपको साबित करना पड़ेगा फैक्ट से, डेटा से, हिस्ट्री से, थियोलॉजी से, आपको ये बातें साबित करनी पड़ेंगी जो आप ठीक कह रहे हैं, और मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ आपकी बातों को गलत साबित करूंगा उन चीजों को मियार बना के जिनको आप ठीक समझते हैं, रिलीजन है, फिलोसफी है, साइंस है, आई विल डू इट।
तो मुझे शाह साहब से गिला ये है, सैयद मुजम्मिल साहब हो गए, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब जितने हो गए, कि ये अपने तौर पे इस्लाम की जो भी तशरीह करते हैं और मुसलमानों के रवैये को जिस तरह से भी ये समझते हैं कि उसके पीछे, जैसे आज भी उन्होंने ट्वीट की कि 40,000 मदारस है तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है और पता नहीं इंतहा पसंदी है और ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ये उनका राइट है, लेकिन फिर उनको इस पर पब्लिकली बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी की पॉडकास्ट में चले जाए और वहां पर वो सारी बातें खुल के कहें, लेकिन जब उस पर डिबेट की बात आए तो फिर वो कहें कि नहीं मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता, वो भी राइट है उनका, लेकिन उनके रिफ्यूजल से एटलीस्ट पब्लिक क्लियर हो जाती है कि अगर इनके दामन में सच्चाई होती तो ये जरूर बात करते इस पे। मेरे रवैये को सब जानते हैं कि मेरे मेरे मिजाज में तकफीर है ना, फतवा है ना, कोई मलामत है, कुछ भी नहीं है, मैं तो इज्जत एहतराम से सबसे बात करता हूँ। तो उनके राइट को हम ऑनर करते हैं कि वो उनका हक है, उनकी इंटरप्रिटेशन है, बहसीत मुसलमान रिलीजन उनको हक देता है कि उसकी तशरीह करें, लेकिन अगर वो इस्लाम की मेन स्ट्रीम तशरीह से डिफरेंट है तो उनके पास फिर दो ऑप्शन है, क्या इधर रुजू कर लें उस पर या वो उस पर पक्के हो जाएं। अगर पक्के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसने इन चीजों का पूछना है, वो फिर मेरा काम नहीं है, फिर वो और उनके खुदा के दरमियान चलिए सर, यहाँ पे अच्छा एक और क्वेश्चन है शुएब साहब, आप सिर्फ एक और क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिलसिले को हम खत्म करते हैं। तलहा वाजिद साहब ने माइक रिक्वेस्ट किया है, उनका जो क्वेश्चन है वो कॉमेंट है, लेते हैं उसके बाद सिलसिले को तमाम करते हैं। तलहा मैंने आपको माइक मैंने आपकी तरफ भेज दिया है, देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, तरह आपने हैंड रेज किया है, अस्सलाम माइक आपके वालेकुम, पास अस्सलाम है। वालेकुम। समय सही, वो द मोमेंट जब माइक मिल रहा होता है ना तो थोड़ी देर के लिए आप आवाज बंद हो जाती है, तो आई कैन हियर व्हाट यू सेड। खैर कैसे भाई, बड़े एहतराम से एक सवाल है, मैं अपने आप को नाकस समझता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जिंदगी क्या रिफॉर्म्स होते थे, जिसमें अगर कोई आप ससम की जात पे कोई बात करता था ऐसी बात जिस पे सहाबा को अपनी तलवार निकाल देनी पड़ती थी, उनको दुख होता था ऐसी बातें सुन के। नेचुरली हम मुसलमान आज के दौर में इस तरह की काफी बातें सुनते हैं, तो उस टाइम पे आप ससम का क्या अंदाज होता था, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या उन्हें रखे थे अपने लोगों के लिए, किस इसका रिप्लाई कैसे देना, इस पर मुझे बता दें। तला ये क्वेश्चन चले है तो इररेलेवेंट हमारी स्पेस के हवाले से, लेकिन हमने पिछला क्वेश्चन भी से मिलता जुलता एंटरटेन किया है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल की अब जरूरत नहीं है कि ये लॉ डेवलप किस तरह से हुआ, क्योंकि जब लॉ डेवलप हो जाता है, फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, तो उसके जो पिछले मैकेनिक्स हैं वो फिर मैटर नहीं करते। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या तोहीन मजहब और तोहीन रसालत की सजा मौत है या नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सजाए मौत नहीं है तो हमारे पास पाकिस्तान में फुकहा है, हमारे पास उलमा है, एक जबरदस्त बॉडी ऑफ नॉलेज उनके पास मौजूद है, सैकड़ों बरस की, एक दो बरस की नहीं, कोई डेढ़ ढाई, माफी चाहूंगा, कोई डेढ़ मिलेनियम के लगभग का डेटा इकट्ठा पड़ा हुआ है, वो हमें गाइड कर सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान का कानून गलत है, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम अगर इसकी सजा मौत है तो फिर हम अनअपोलोजेटिकली इस बात को कहते हैं कि इसकी सजा मौत है, लेकिन ये काम रियासत के हाथ में है। आप डाकू को पकड़ के आप उसको नहीं मार सकते शरी तौर पे, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आप उस पर खुद जाती तौर पे तशद्दुद नहीं कर सकते, आपने पुलिस के हवाले ही करना है। तो इट डजंट मैटर कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूलिंग्स क्या थी, क्योंकि हर वाकये पे आपको उसमें वेरिएशन मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन के हु डिड व्हाट, उसकी बात का असर क्या था, क्या उसने सिर्फ जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास की थी या उसने जंग इंस्टिगेट की थी। ये सारी की सारी इनके जैसे काब बिन अशरफ मिसाल के तौर पे उस पे होता है तोहीन का, लेकिन उसे सिर्फ वो सिर्फ तोहीन नहीं करता था, उसने मुसलमानों की इज्जत जान नामूस उसने दाव पे लगाई हुई थी, और वो वॉर क्रिमिनल था, वो मुआहदा करके जो अहले यहूद से हुआ था उसने उसकी वायलेशन की हुई थी, अहले मक्का को जाके वो ताने दिया करता था कि मुसलमानों से बदर का बदला लो वगैरह, इनके वो वॉर वॉर क्रिमिनल था वो। तो हर वाकये की एक अपनी तफसील है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस वाकये पे जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिस्पॉन्स था, असल बात यह है कि इस वक्त तोहीन की सजा क्या है। वी शुड नॉट हैव एनी अपोलोजेटिक कैसे बिहेवियर भाई, टुवर्ड्स दैट, वो सजा कैसे भाई, बहुत आई सजा मौत होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुली आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि आपने जो बात की है ना वो आपने बात की है फसाद की। फसाद के बारे में कुरान इज क्वाइट क्लियर ऑन दिस कि हाँ, जो लोग फसाद करते हैं उनके खिलाफ आप ऐलान जंग कर सकते हैं, जिसको फिर जहाद भी से भी लिया करके होली प्रॉफिट ने अपने दौरान जिंदगी भी ऐसा किया था।
हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की सिक्योरिटी की. वंस यू आर सिक्योर इन योर सेल्फ कि आपको पता है कि आपको अपने नबी से प्यार है. काफरों को इस बात पे बड़ा मजा आता है कि हम जो ही इनके पैगंबर के खिलाफ कुछ बोलते हैं ना, तो ये फौरन आग बकोले हो जाते हैं. वो इस बात का बहुत फायदा उठाते हैं. मैं ये समझता हूँ कि इवन ड्यूरिंग द टाइम तो होली प्रॉफिट ये सिखाया गया था, जस्ट बी सिक्योर इन योर सेल्फ. जब आपको पता है कि आपको मोहब्बत है अपने रसूल से, जब भी उनका नाम लिया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं, आपको प्यार है. अनटिल कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपके दरमियान फसाद क्रिएट करे, जो आपने इंडिकेशन दी थी फसाद की तरफ. लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि हमारे मुल्क में लोग तंग आके मुसलमानों के हालात देखे, क्यों हमारे यहाँ मुल्क में मुसलमान नहीं है, हाँ वो नाम के मुसलमान है, हम लोग कुरान को सही तरह फॉलो नहीं करते, तो वो जो कुछ काफिर हैं या कुछ लोग हैं वो इस्लाम से तंग आके मुसलमानों को एजिटेट करने के लिए हमारे रसूल पे बातें करते हैं, एंड देन वो मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं एंड ऑल. मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अनलेस के स्टेट ने उनको फसाद डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग फसाद कर रहे हैं, थ्रू आपने अपने डायलॉग अपने लोगों से साथ किया और मशवरे के तौर पे आपने ये डिसाइड किया कि हाँ यार ये लोग फसाद कर रहे हैं, नाउ इस फसाद को रुकना चाहिए, आप इस पे क्या कहते हैं? शोएब साहब इस पे कुछ बात करना चाह रहे थे, मैं उनकी बात सुन के मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ. जी सर. जी अच्छा देखिए इसकी वजह यह था कि आप जिस जमाने में जो एक्टमेंट का दौर था तो यूरोप में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे जो सारी बातें, तो अगर आप उसको हिस्ट्री को देखेंगे तो वहां पर हिस्ट्री में जो जज था उनके साथ इनका प्रॉब्लम था, तो ये मजहब के खिलाफ बात करके ही ऊपर आ सकते थे और इनका मजहब के सामने ही अपना बदले मुका था. तो इन्होंने ये किया था कि इन लोगों ने यानी कि जो लिबरल और जो नई वेस्टर्न सोच है, जो इंप्लाइमेंट की सोच है, इसने ये काम यही किया था कि इसने मजहब को टारगेट किया और मजहब को टारगेट करके इन्होंने लोगों का जहन जो है उससे मुतनफर किया. अब ये वही काम तमाम मजाहिब के साथ करना चाहते हैं और वो इस्लाम के साथ भी यही अपनी जो है ना वो तरीके कार करना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के अंदर भी इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए. इतने सारे वाकयात रोज रोज रोज, पहले तो कभी सुनते थे कोई बात तरीके गुस्ताखी का, तो काम चाहते थे गुस्ताखी ये कैसे हो सकता है, तो अब जो है इतना ज्यादा इसको जो है नॉर्मलाइज किया जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा इसकी बाकायदा प्रॉपर जो है ना वो किया जा रहा है और करवाया जा रहा है और इन्वोक किया जाता है बाकायदा. ये एक अगर ये नहीं करे, अगर ऐसा नहीं करे तो लिबरल आइडियोलॉजी और ये जो जो वेस्टर्न जितनी भी आइडियोलॉजी है उन्हें बिलपने की जगह ही नहीं मिलेगी, वो फैल ही नहीं सकते. तो इसलिए उनका मकसद है कि मुकद्दसात जितने भी होते हैं मजाहिब के उन्हें ब्रेक किया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, लोगों के दिलों से उसकी जो है अहमियत को कम किया जाए. इस वजह से ये इसे जो है कर रहे हैं और इसीलिए जो एंटी ब्लास्फेमी जो कवानीन है या एंटी ब्लास्फेमी जो मूवमेंट चलाई जा रही है यूरोपीय यूनियन की जानिब से और दीगर ममालिक यानी अमरीका वगैरह और अकवाम मुत्तहदा और सबकी तरफ से, वो जो है ना वो एंटी ब्लास्फेमी लॉ की बात कर रहा हूँ. ये इसी मकसद के लिए कि कवानीन सारे खत्म हो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इनको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले और ये खुलकर जो है वो बात कर सके. इसका आप देख लें, मैं आपको बताऊं सिर्फ एक तारीख का एक नजारा देखें कि जिस बंदे ने सेकुलरिज्म की बुनियाद रखी, जॉन हॉलियोक, जिसने पहली दफा सेकुलरिज्म का वर्ड इस्तेमाल किया, वो बंदा जो था वो क्रिश्चियनिटी का गुस्ताख करार पाया था, क्योंकि वो ऐसी बातें इस तरह की बातें करता था. उसे अरेस्ट कर लिया गया, 6 महीने की सजा दी गई. जब वो छूट कर बाहर निकला तो उसने पोस्टर बनाया और वो पोस्टर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा 1843 के जमाने का. उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्लास्फेमर, यानी कि बड़े फखर से उसने लिखा है कि ये ब्लास्फेमर जो है ना आज लेक्चर देगा और फलानी जगह पे जो है ना वो इसके लेक्चर है. तो ब्लास्फेमी जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ इतना ज्यादा उसको जोड़ दिया गया है कि वो कहते हैं कि जब तक कि हम इस टैबू को, ये भी इसको भी टैबू कहते हैं, ये खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग जो है ना वो कबूल नहीं करेंगे हमारी बात को. और ये चूंकि देखिए ये एक नजरियात की जंग है, वो अपनी बात को दुरुस्त समझते हैं, वो समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, मुसलमान जो सोच रहे हैं ये बड़े कंजर्वेटिव है, इनके दिमाग बंद है, इन्हें आजादी का नहीं पता, इन्हें ह्यूमिलिटी का नहीं पता, ये इंसान ही नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी. तो
ये फर्ज है, इस फर्ज को समझना है। और जो हमारे माशरे में ये हो रहा है ये बहुत, आपको इससे अंदाजा नहीं है, हम इसको रोज फेस कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ग्रांटेड है जो कम अज कम सोशल मीडिया पर तो मेरे नॉलेज में है कि वो इस पर जो है ना ये काम कर रहे हैं, फैला रहे हैं इन आइडियाज को, और बहुत ज्यादा जो है लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये एक जो है ना एक पॉलिटिकल, इसको इस सिनेरियो में भी देखने की जरूरत है, इस नजर से भी देखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेयर मिनी सर। तला माय टू सेंस इन टू दिस, जो आपने कहा कि आप डिसएग्री करते हैं, श्योर वो आपका राइट है, बहसते मुसलमान भी बहसते पाकिस्तानी भी, कि अगर आप ये समझते हैं कि, अगर मुझे आपकी बात ठीक समझ लगी है कि इस पे हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ये कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास एक हक है कि आप पाकिस्तान के इस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। आप इस्लामिक जो रैशनल है वो प्रोड्यूस करें कि क्यों ये कानून गलत है, देयर विल बी योर राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अगर मुल्क में कानून मौजूद है और हम उसको गलत कहें इस बेस पे कि कोई हमारा मजाक बनाएगा और कोई हमारा ये करेगा कोई वो करेगा। आप ये इन चीजों पे आप हैरान रह जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कैसे कैसे कानून पाए जाते हैं। चले माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैं आपको आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। यॉर्क में आज भी ये कानून लिखा हुआ है कि कोई भी इंग्लिश मैन किसी भी स्कॉटिश आदमी को सिर्फ तीर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दिन कत्ल कर सकता है, सवाए इतवार के दिन के। ये अब ये नाफजुल अमल नहीं है उस तरह से, लेकिन ये लिखा हुआ है वहां पे। ये यानी कि वहां पे लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर है उसने टैक्सी ड्राइवर के अंदर घास रखना कानूनी तौर पे, ये लिखा हुआ है कानून में कि घास रखना वहां पे मस्ट है। अगर आपने ये जहन में रखना है कि दुनिया मजाक बनाएगी, मैं आपको इतना बड़ा डेटा दूंगा कानून का दुनिया के, आप सुन के आपके हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा कि ये लिखने वाले कौन बेवकूफ थे। श्योरली उसकी रीजन थी हिस्टोरिकल, लेकिन आज के जमाने में वो कानून मौजूद है और वो मजे का खेज है। दूसरी आपने बात कही कि वो गोरे बड़े चीज पे जो है वो उछलते हैं और ये करते हैं और वो खुश होते हैं, लेकिन हम उनको खुश कराते हैं अपना रक्षा जलाकर, अपनी दुकानों को आग लगाकर, अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर। मैं इस नजरिए के खिलाफ हूं कि भाई उन्होंने अगर आपको हर्ट किया तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जब कोई आपको हर्ट करता है तो हर्ट करने के बाद उससे ये हक छिन जाता है कि वो अब तय करे कि आपने जवाब कैसे देना है। आपके पास अब हक है कि आप हर्ट करें। मिसाल के तौर पे मुझसे एक दफा बात ऐसी ही थी, किसी फ्रेंच आदमी ने कोई हुई पता एग्जैक्ट मुझे उसका कॉन्टेक्ट याद नहीं है वो क्या बात थी। लोगों ने बाद में बड़ा एतराज भी किया उस पर, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि भाई अगर फ्रांस वाले तोहीन अमेज खाके बनाएंगे तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपना रक्षा जलाने के मैं उन वाकियात के मैं को पब्लिश करूं जो फ्रांस ने बड़ी मेहनत से छुपाए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि दूसरी जंग अजीम में जब अमेरिकन फौजी फ्रांस को जर्मनी से बचाने के लिए आए थे तो हजारों फ्रेंच खवातीन का उन्होंने रेप किया था। मैं जर्मन की बात नहीं कर रहा, इसलिए वो तो ऑक्युपाइंग फोर्स थे ना, कि वो तो अगर फ्रेंच औरतों का रेप करते तो समझ में आने वाली बात थी, अगर से वो भी जुल्म है, या अमेरिकन जाके जर्मन का करते, नाजी की खवातीन का करते, तो वो भी गलत बात है, लेकिन समझ में आती है दुनिया में ऐसे होता है। नहीं, जो मदद करने आए हैं उन्होंने हजारों की तादाद में फ्रेंच खवातीन का रेप किया, इसलिए किया कि उनको दूसरी जंग अजीम में इसलिए नहीं बुलाया गया था, उनको दावत दी गई थी और भर्ती किया गया था कि आप जाए बड़ा अजीम काम है, बल्कि इसलिए बताया था कि फ्रेंच ओवरली सेक्सुअलाइज्ड फ्रेंच खवातीन जो हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं और वो आपके आप उनके हीरो होंगे और ये होंगे वो होंगे। तो मैंने कहा कि आप अगर हमें इस तरह से हर्ट करेंगे तो ये आपकी कौमी बेइज्जती है इसमें कि आपके जो मदद करने वाले आए थे उन्होंने आपकी खवातीन का रेप किया था, तो फिर हम इनके खाके बनाएंगे। तो आगे से बड़े गुस्से में आ गए, नहीं ये आप कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने कहा देखो तकलीफ होती है ना, हमें भी होती है, तो जब हम हर्ट करने का तरीका सीखेंगे ना एकेडमिक लेवल पे तो फिर वो नहीं खुश होंगे। तकलीफ सबको होती है। ये जापान में एक बंदर वो पैदा हुआ, एक बंदरों का पेड़ था, उनका एक बंदर पैदा हुआ आगे, तो उन्होंने मलका बरतानिया के नाम पे नाम रखा, तो यूके ने जापान से शिकवा करके बाय फोर्स जापान ने माजत भी की, नाम चेंज किया, कि सबको अपनी अपनी इज्जत की होती है। फिर अगर आपको इस चीज पे तकलीफ होती है तो फिर हम अपने उन जानवरों के नाम आपके रॉयल्स के नाम पे रखेंगे, क्या तकलीफ आपको बड़ी होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम इंजॉय कराते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना नहीं आता। आप ये करना शुरू करें अपने गमले तोड़ने रिक्शों जलाने के बजाय, छोड़ देंगे। तकलीफ सबको होती है, जज्बात सबके होते हैं। एनीवे अच्छा मेरे साथ मैं देख रहा हूँ कि अली ई आए हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी भेजी है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अगर मेरी आवाज उनको आ रही है तो अगर वो भी
कंट्रीब्यूट करें, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सच अ नाइस ब्रदर। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ये जो दावत दी है, इस दावत के अलावा मैं और अब क्वेश्चंस नहीं ले पाता। मैं तो माइंड नहीं करता, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन मेरे बहन भाई स्पेसेस में मुझे खींच तान के घंटा डेढ़ पे ले जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि शोएब साहब को मैं बहुत ज्यादा मैं शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। मसरूफ आदमी है, कई तरह के उनकी और भी मसरूफियात हैं, तो इसलिए आज की स्पेस को हम मुख्तसर रखेंगे। अली, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, शुड यू विश टू कम ऑन ब्रदर, इट वुड बी एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस। और अगर आपके पास भी कोई इंटरनेट का, माइक का, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर इजाजत चाहेंगे सबसे इस स्टेज पे। मैं सिर्फ वेट करूंगा थोड़ी देर, जस्ट इनके से अगर अली कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शोएब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने वक्त दिया। यही हमारा मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट हो, पता चले कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे कवानीन के साथ क्या किया जा रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। तो यहाँ से एक कम से कम, क्योंकि देखें एक चीज कही जाती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स जब करते हैं तो पहला स्टेप यह है कि आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो किसी सिचुएशन को मसला ही ना समझे उसे ठीक कैसे करेगा? तो हम कम से कम इसे एक मसले के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये है, और आगे जो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम रिव्यू पिटीशन में भी जाएंगे, इंशाल्लाह रोजीज हम इसको जो जितने भी ईवान हैं उनमें हम जाएंगे। और जैसे आगे अर्ज किया कि पाकिस्तान शरी निज़ाम के अलावा यहाँ पे कोई और निज़ाम काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क की क्रिएशन के लॉजिक के खिलाफ है। लॉजिकल बात है कि यहाँ पे यही सिस्टम होना चाहिए। राइट, इसके साथ ही आई थिंक अली भाई की तरफ से कोई इशू है, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ना वो माइक का इशू है, ये इंटरनेट का मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे सिलसिले को खत्म करते हैं। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समय पहला ही मेरा ट्विटर स्पेस पे, तो अच्छा रहा। और ये कि मैं तमाम साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमने सेव द मूवमेंट, सेव द फैमिली की जो हम कैंपेन चला रहे हैं, आप उसका पार्ट रहे हैं, आप कैसर अहमद राजा साहब के साथ जुड़े रहे हैं तमाम चीजों में। और इसके साथ साथ हमें जो जो हम लीगली, जैसा कि आपको कैसर अहमद राजा साहब ने बताया कि हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला रिव्यू पिटीशन के लिए, तो पीएम करेंगे। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ खास लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन हजरात ने भी हमें यही बताया कि अगर हमें कामयाबी कोर्ट में और पार्लियामेंट में चाहिए, तो जिस तरह ट्रांसजेंडर के मामले में हमने अवेयरनेस क्रिएट किया था और एक पब्लिक जो है ना मूवमेंट खड़ी कर दी थी, ऐसा ही हमें इस पे भी खड़ा करना होगा। और हमारे जो मुतालबात हैं, जो हम चाहते हैं वो क्या है? नंबर एक, हम ये चाहते हैं कि पूरी हमारे जो जितने भी कानून है, जो आईन है, पैमरा ऑर्डिनेंस है, पैमरा के फिर रूल्स हैं, फिर उसके साथ पैमरा का जो है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके साथ होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उन सब में ये तो लिखा हुआ है कि ऑब्सिनिटी, वल्गैरिटी, पोर्नोग्राफी, इन सब चीजों की पाबंदी होगी, लेकिन कहीं पर भी इसकी तारीफ नहीं लिखी है। हमारा जो जो है ना वो शरिया एक्ट बना था, वो शरिया एक्ट के अंदर भी सिर्फ इतना लिखा, सोशल इवल्स लिखा, ये सब चीजें लिखी, लेकिन उसको उसको डिफाइन नहीं किया। तो हमारा पहला मुतालबा भी यही होगा कि अब चूंकि जजेस ने इसको छेड़ दिया है और उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हो जानी चाहिए और ये कानून का हिस्सा बन जाना चाहिए कि क्या ऑब्सिनिटी है, क्या वल्गैरिटी है, वो उसकी तारीफ क्या होगी। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है और वो काम भी हम चंद दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे कि उलमा के एक बोर्ड ने जो है वो मुत्तफिका तौर पर फहाशी की, ऑब्सिनिटी की एक डेफिनेशन जो है वो तैयार की है, क्योंकि आज से पहले भी काजी हुसैन अहमद साहब ने अपने दौर में जो है वो इस पर बड़ा इत्तेजाज किया था कि फहाशी बहुत ज्यादा फैल रही मीडिया के जरिए, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो आप देखें हमारे यहाँ पर जो है, माजत के साथ मैं एक बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, आप इसको वैसे आप फील करेंगे कि बिल्कुल सच है, हमारा जो 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 हमारी हुकूमत का रवैया है वो बिल्कुल मॉडर्निस्ट हुकूमत के रवैयों की तरह है। मॉडर्निस्ट से मुराद में ये आप समझ रहे हैं जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले, ये आज से नहीं है, 75 सालों से हमारी हुकूमत अगर वो बनाना भी चाहती है, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहती, तो तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता इंसान तो बना सकती है, वो भी बहुत मुश्किल है। ये पॉलिटिशियन जितने भी, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं, ये भी नहीं करेंगे वो, लेकिन कभी भी वो हिदायत याफ्ता, निजात याफ्ता, फला याफ्ता मुसलमान बनाने की टेंशन इनको नहीं है। अगर हम इस वर्ल्ड व्यू के साथ दुनिया में हैं कि हमारा वर्ल्ड व्यू है कि ये दुनिया इम्तिहान का है और हमें आखिरत में कामयाब होना है एक मुसलमान की हैसियत से, तो फिर हमें ऐसे अफराद तैयार करने हैं कि जो मुसलमान भी हों अखलाक के एतबार से,
वो करने का वो किस उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो हमारी हुकूमत ने आज तक नहीं ली, हमारे तालीमी निज़ाम ने आज तक नहीं ली, और उसका नतीजा है कि इस तरह के जो है ना वो जजमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि ये भी ऐसी बात है हमारे भाई हैं, हमारे ही मुल्क के हैं, हमारे ही जो है ना वो लोग हैं जो ये जजमेंट्स दे रहे हैं, जजेस साहिबान भी यहीं के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े होंगे, तो यही तैयार होता रहेगा। तो हमने इंशाल्लाह तबारक व ताला इस पे बात करनी है कि भाई फहाशी की ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन भी आ जाए, और उसके साथ साथ जो अब पब्लिक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनने जा रही है, तो उसमें जो है वो इस्लामी अखलाकियात और तहजीब के माहिरीन और उसके साथ साथ नजरिए पाकिस्तान से जो लोग मुखलिस हैं उन्हें लिया जाए, और सिविल सोसाइटी के लोग तो किसी भी तरह जो है ना वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह नहीं कर सकते। वो सब आपके सामने है, वो सब कैसर भाई के साथ जो है ना वो आपको पता है यहाँ पे लगे रहते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। तो ये मुतालबात भी हमारे होने चाहिए और ये होंगे इंशाल्लाह ताला हमारे मुतालबात उसी में। तो अल्लाह तबारक व ताला आप सबको और हम सबको ईमान पर इस्तेकामत अता फरमाए। आज का चूंकि कैसर भाई ने शुरू में ही बता दिया था कि हम जिस पैराडाइम में बात कर रहे हैं वो पैराडाइम जो है वो शरीयत का पैराडाइम है, वो हमारे आइन का पैराडाइम है, और हमने उसी पैराडाइम पे बात की है, और बाकी जो सवाल आते हैं जो जो इन जो जो इस वर्ल्ड व्यू से खिलाफ रखता है, तो फिर वो कैसर भाई के दूसरे स्पेसेस होते हैं उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बात करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, तो वहां पे करिएगा बात और वहां पर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमने जो कुछ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और जो आगे करेंगे अल्लाह ताला हमें इस्तेकामत अता फरमा और कामयाब करेंगे। आमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरी रिक्वेस्ट शेख साहब के आप अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस स्पेस के नीचे आप ट्वीट कर दीजिएगा, आपके फेसबुक के भी, यूट्यूब के भी, और आपका ट्विटर अकाउंट तो आप लोगों तक पहुंच ही गया है, तो जितने ज्यादा हम लोग कनेक्टेड हों उतना ही हम सबका फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया सारी ऑडियंस का। ये रिकॉर्डेड स्पेस है, यानी कि खत्म होने के बाद ये रहेगी। जो भी आपके फॉलो अप क्वेश्चन हैं आप इसके नीचे ट्वीट में आप पूछ सकते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।